अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, पुरसकून होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग सुबह नाश्ते से स्टार्ट किया है, बच्चों को स्कूल भेजने से। यहाँ पे जो है मैं मोहम्मद सुबहान और सुहाना का लंच जो है वो पैक करी हूँ, और बहुत थोड़ा सा उनको आज लंच दिया है। ब्राउनी है सुहाना को दी और मोहम्मद सुबहान को पिज़्ज़ा, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके सेकेंड सेमेस्टर के, सो बहुत कम टाइम में उनको परमिशन मिलती है लंच करने के भी स्कूल में। और इसीलिए यही सोचा है कि चलें घर जब आएंगे खैर आफियत के साथ तो फिर मिलके जो है हम लंच करेंगे। यहाँ पे मैं बच्चों की वाटर बॉटल जो है फिल कर रही हूँ फ़िलहाल, जो है वो अभी ठंडा पानी ही लेकर जा रहे हैं। बट जो है सबको फ्लू खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा अपना गला बहुत शदीद ख़राब हुआ हुआ है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक हमें इस मौसम से महफूज रखे और हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने लगी हूँ, पराठा बना रही हूँ और साथ में सोचा है कि फ्राई एग रेडी करती हूँ। फ्राई एग का दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो सोचा पराठा ही खा लेती हूँ, वरना ये है कि स्लाइस वगैरह लेकर मुझे बहुत जल्दी जो है फिर भूख लग जाती है और फिर मैं सोचती रहती हूँ अब क्या खाऊँ अब क्या खाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पराठा ही खाती हूँ ताकि जो है थोड़ा सा भूख को कंट्रोल होगी, वरना विंटर आने वाला है और मुझे लगता है विंटर में ज़रा ज़्यादा ही भूख लगती है, क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, हम जल्दी जो है वो अपना लंच डिनर कर लेते हैं और रात जो है वो अब लंबी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो लीजिए यहाँ पर मेरा पराठा बहुत मुश्किल से जो है वो बन ही चुका है, इस तरह से कट कर लूँगी और जो है उनको बल दे दूँगी। बलों वाला पराठा बनाने के लिए ये टेक्निक जो है वो यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई ख़ास ये टेक्निक अच्छी नहीं लगी। तो लीजिए पराठा हमारा जो है मैंने तवे पर डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल जो है वो डाल रही हूँ। देसी घी लेकर आऊँगी, अब इंशाल्लाह गई ग्रॉसरी करने तो देसी घी लेकर आऊँगी। मलाई का घी जो है मैं बहुत अच्छा घर में जो है वो बना लेती हूँ, बट मलाई जो है वो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा जमा नहीं हुई। नाश्ता करने के बाद ये काले चने मैंने भिगो के रखे थे, फटाफट से इनका सालन रेडी करूँगी क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं और आते ही उन्हें लग जाती है शदीद भूख और मुझे कहते हैं मामा हमने कुछ बनाया नहीं अभी तक, जल्दी से बनाया। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से जो है ये खाना रेडी कर लेती हूँ। काले चने बनाऊँगी बहुत मज़ेदार से, सिर्फ एक प्याज जो है मैं चनों में डालूँगी, इस एक प्याज को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। और चने जो है वो मैं कुकर में बनाने वाली हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैं इसी तरह से ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड कर दी है मैंने चनों में, और जो है टमाटर लहसुन ऐड किए हैं 3 जवे, और टमाटर जो है मैंने पहले फ्रीज किए हुए होते हैं इसलिए जो है मैं इनका छिलका उतार कर इस तरह से कट कर कर शामिल कर दूँगी टमाटर में। अब जो है बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, स्पाइसेस में क्या ऐड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ नमक, लाल मिर्चें और जो है हल्दी। हमें ये सारे मसाले अपने हस्बे ज़रूरत आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, हस्बे जायका, मैं अपने मुताबिक जो है इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत आसान और मज़ेदार से जो है वो चने बनने वाले हैं। पानी ऐड करूँगी, पानी इतना ऐड करना है कि हमारी तमाम सब्जियां और चने जो है वो अच्छी तरह से भीग जाएं, और मैक्सिमम हमने इसको 8-9 मिनट का जो है वो प्रेशर देना है। और प्रेशर कब होता है, जब सीटी बोलना शुरू होती है तब प्रेशर, इसका मतलब है कि शुरू हुआ है, मतलब तब हमारा कुकर जला है जब सीटी बोलती है। इतनी आँच पर जो है मैंने प्रेशर कुकर को रख दिया है, और लीजिए 9 मिनट बाद मैंने जब इसको कुकर को ओपन किया है तो बहुत अच्छे से हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं और मज़ीद थोड़ा पानी भी बाकी है, अच्छी तरह से मैं इसको भूनूंगी। अब इस टाइम में जो है हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि इसकी भुनाई करनी है चनों की, तो ऑयल जो है वो डालना है, पहले हमने ऑयल इसमें ऐड नहीं किया था। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि चने और जो मसाला हमने टमाटर और डालनी थे लहसुन और प्याज, देखिए कितनी अच्छी तरह से जो है वो गल चुके हैं, और इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है हम अपना बाकी का प्रोसेस करेंगे, इसकी भुनाई हो चुकी है और जितना आपने इसमें पानी ऐड करना हो, जितना आपने इसमें जो है वो ग्रेवी रखनी हो आप उतना पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं अभी इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसको दोबारा कवर करके रखना है, इसका ढक्कन ढक के हल्की से फ्लेम पे, ताकि जो है हमारा मसाला बहुत अच्छे से जो है वो चनों के साथ गल जाए। देखिए बहुत अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें गल चुकी हैं,
प्याज, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और अब मैं रख दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके। कुछ चने मैंने निकाल लिए थे और मैंने उनकी पापड़ी चाट जो है वो रेडी की है। और देखिए चावलों वाले और चने हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मेरा ज्वेलरी वाला जो चैनल है सबसे फर्स्ट वाला, उसके 5K कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर मैं उसके लिए मीठा रेडी करने लगी हूँ। हमने 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे बहुत मज़ेदार सा आज हम सेवियों को जो है वो कस्टर्ड रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने वर्मा कर ली जो है वो कस्टर्ड वो सेवियाँ ले ली हैं, इनको अच्छी तरह से जो है पैकेट के अंदर क्रश कर लिया है। और बाकी चीज़ें जो हैं इसमें मैंने कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर, दूध लिया है 1 किलो, हलीब की ली है मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क लिया है। एक पैन मैंने रख लिया है, उसमें जो है मैं सेवियाँ ऐड कर दूँगी। बहुत लाइट फ्लेम पर जो है हमने सेवियों को रखना है, तेज़ आंच नहीं करनी वरना सेवियाँ जो हैं वो भुनना स्टार्ट हो जाएगी, सारा जो है वो किचन में फैल जाएंगे। इसलिए बहुत लाइट फ्लेम पर रखनी है। हल्के हाथों से जो है उसको हिला रही हूँ, थोड़ी सी जो है ये ब्राउन होंगी, देन जो है हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ये थोड़ी ब्राउन हो चुकी थी, देन जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और बहुत कम सा ऑयल ऐड किया है, सिर्फ इसलिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और सेवियाँ जो है मैंने बहुत बारीक वाली ली हैं, बहुत हल्की वाली जो सेवियाँ होती है ना लाइट वाली, वो लेनी है हमने। और हल्के से हाथों से जो है मैं इसको जो है सारी सेवियों को ऑयल में डिप कर लूँगी ताकि सारी सेवियों पर जो है वो ऑयल लग जाए। इस तरह से जो है हम मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने सॉस पैन में जो है वो दूध ऐड कर दिया है 1 किलो, उसमें मैंने शुगर ऐड की है 2 चम्मच भर के जो है वो मैंने शुगर के ऐड किए हैं, जो सालन वाला चम्मच होता है वो। दूध जब तक हमारा पक रहा है मैंने ले लिया है कप में दूध, और साथ ही जो है मैंने कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और कस्टर्ड जो है वो 3 चम्मच अच्छी तरह से स्टेन करके जो है उनको छान के एक प्लेट में रख लिया था। अब मैं इसको दूध में ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है कॉर्नफ्लोर और जो है कस्टर्ड वो मिक्स हो जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम दूध में जो है इसको ऐड कर देंगे। और दूध में हमने इसको तब ऐड करना है जब दूध हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा। दूध देख के बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम जो है इसको ऐड कर देंगे अपने मिक्सचर को। इसमें क्या था शामिल, कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड, कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और कस्टर्ड जो थे वो 2 चम्मच थे। थोड़ा सा जो है मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, कंडेंस मिल्क नहीं निकल रहा था, मुझे दोबारा इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना पड़ा, देन जो है वो नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी कंडेंस मिल्क को निकालने में, शायद ठीक होता है इस वजह से वो निकल ही नहीं रहा था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खैर जी, इसको अभी मैंने रख दिया साइड पे कि अभी दोबारा तुम पे जो है मैं मेहनत करूँगी। फिलहाल मुझे डर था कि जो है वो मिल्क लग ना जाए नीचे। लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेस करने का सिर्फ इतना सा कंडेंस मिल्क निकल पाया है। चलें जी, मेहनत मेरी जारी है, कोशिश कर रही हूँ कि शायद 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 कंडेंस मिल्क निकल जाए, और आखिर जो है थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे हो गई थी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो है वो स्पून से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे कंडेंस मिल्क को कस्टर्ड और मिल्क में अच्छी तरह से। और यहाँ पर मुझे फ्लू हुआ हुआ है, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, फ्लू मुझे अच्छा खासा हो रहा है, मौसम चेंज है इस वजह से। और लीजिए हमारी जो है वो सेवियाँ और कस्टर्ड थोड़े बहुत जो है वो ठंडे हो चुके हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पर एक बाउल और इसमें जो है मैं सबसे पहले तह जो है वो वर्मा के लिए यानी कि सेवियों की लगाऊंगी। सेवियों को हमने बहुत बारीक सा इस तरह से प्रेस करते हुए लगाते जाना है ताकि जो है सेवियाँ अच्छी तरह से जो है हमारे बाउल में लग जाएँ, बाउल के साथ चिपक जाएँ, ताकि जी इसके ऊपर जब हम कस्टर्ड रखें यही ना कस्टर्ड में बहना शुरू हो जाए। हमने ऐसा नहीं करना, हमने इनको अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये आपस में जुड़ जाए। बहुत मज़ेदार सा ये मीठा मैं रेडी कर रही हूँ अपने 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर मेरे ज्वेलरी चैनल पर। अपने ज्वेलरी चैनल का जो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप सब उसको भी विज़िट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वहाँ पे मैं बहुत क्रिएटिव ज्वेलरी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ सीखने को मिलेंगी। तो इस तरह से जी हमारी सेवियाँ कंप्लीट हो गई हैं और कंडेंस मिल्क जो है मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी इस तरह से ताकि से बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है इसमें आ जाए। कुछ लोग जो है इस सेवियों में वो ड्राई मिल्क भी ऐड करते हैं जब पका रहे होते हैं, मैंने वो ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे था मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। बहुत अच्छे से कंडेंस मिल्क जो है वो हमारा ऐड हो चुका है
मैं ज़रा अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं भी आज ये फर्स्ट टाइम ही जो है ये स्वीट डिश रेडी कर रही हूँ आप सबके साथ, इसलिए मुझे भी जो है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस स्वीट डिश को बनाने में। अच्छी तरह से जी हमारी सेवियाँ लग चुकी हैं बाउल में। अब मैं इसमें जो है कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ जो हमने बनाया था पहले। कस्टर्ड हमारा अभी भी थोड़ा जो है वो गर्म है, हम इसको ऊपर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है हमारी स्वीट डिश ठंडी हो जाए और स्वीट डिश को हम अच्छी तरह से ठंडा करके ही जो है वो सर्व करेंगे। इसके ऊपर की डेकोरेशन कर लेती हूँ। कुछ सेवियाँ जो है मैंने बचा ली थी, उससे जो है मैं इसकी बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर लूँगी। आपके पास डेकोरेशन जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल मुझे यही समझ आ रहा था डेकोरेशन का तरीका, इसलिए मैं इस तरह से जो है इसकी डेकोरेशन करूँगी। चारों साइड से जो है इसका इसी तरह से बॉर्डर बना लूँगी। और अब हम इसमें जो है वो क्रीम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से डेकोरेशन कर ली है क्योंकि क्रीम रह चुकी थी, क्रीम का टच दिया ही नहीं था, इसलिए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आप क्रीम का टच तो जो है वो दे दिया जाए। लीजिए जी, क्रीम का टच कंप्लीट हुआ, नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रहता है। और अब जो इसके साइड्स पे हैं हम ऑलमंड्स लगा लेंगे, बादाम, एक खूबसूरत सा जो है वो हम इसका फ्लावर रेडी कर लेंगे। हमारा मीठा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार सा, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। आइए बाउल में सर्विंग करते हैं इसकी और देखते हैं कैसा बना है। लीजिए जी, बहुत मज़ेदार सा जो है वो बन चुका है, ये देखिए, ज़बरदस्त ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ब्राउनी या पेस्ट्री को निकाल रही हूँ बाउल में से। कितना मज़ेदार सा जो है इसका टेक्सचर आया है, बहुत मज़ेदार सा हमारा सेवियों वाला कस्टर्ड पुडिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। आप सब भी बनाइएगा मेरी रेसिपी से, ट्राई कीजिएगा कैसा बनता है। नेक्स्ट मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।